आज हम तैयार करेंगे लौकी से बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट मार्केट जैसा पनीर। तो इसके लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम लौकी। फ्रेंड्स, इसमें हम आधा किलो पनीर तैयार करेंगे। तो इसका हम बीज का पार्ट निकाल दिए हैं, छिलका भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं लौकी के सारे छिलके निकाल लेती हूँ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेते हैं। इसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ, क्रीमी टेक्सचर वाला पेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच जो है दही, ताज़ा दही होना चाहिए हमारा, दही डाल देते हैं। 2 राउंड और चलाएंगे। इसके बाद हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए चावल का आटा मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 छोटे चम्मच हम चावल का आटा मिला लेते हैं। इसको बढ़िया सा मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक सार हो जाएं। इसके बाद हम इसमें आधा चुटकी नमक मिलाएंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार नहीं मिलाएंगे, स्वाद से थोड़ा कम ही मिलाएंगे, नहीं तो फिर इसमें पनीर का टेस्ट नहीं आएगा। ये 1/4 चुटकी हमारा बेकिंग सोडा है, बढ़िया सा हम मिला लेते हैं। इसके बाद एक छोटी सी थाली में हम जो है घी या आप तेल भी लगा सकती हैं, लगा देते हैं, चारों तरफ से ग्रीसिंग कर लेते हैं। उधर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख के गर्म करने रख दिया है, स्टीम द्वारा हम इसको पकाएंगे। कढ़ाई के बीचों बीच हमने एक छोटी सी कटोरी रख दी है, उसी के ऊपर हम ये थाली रखेंगे और ढक करके हम इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे इसको, अगर पक जाएगा तो इसके पहले भी निकाल लेंगे। तो थाली को हम रख देते हैं चल के कढ़ाई में और ढक देते हैं। पेंदी में हम थोड़ा सा पानी रखे थे, पानी हमारा गर्म है। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हम जो है 10 मिनट तक पकने देते हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर नहीं पका होगा तो और पकाएंगे। तो देखिए, पॉक हमारा बिल्कुल क्लीन निकल के आया, इसका मतलब ये पक गया है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको ठंडा होने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, ठंडा हो गया है, किनारे पता चल रहा है, किनारे छोड़ दिया है। तो अब हम छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसकी चाहे तो सब्ज़ी बनाइए, चाहे तो आप इसको फ्राई करके, सेलो फ्राई करके, मसाले के साथ फ्राई करके आप नाश्ते की तरह यूज कर सकते हैं। आप जैसे चाहे, आपको जैसे पसंद आए आप वैसे यूज करिए। और बताइए मेरी रेसिपी ये कैसी लगी, मेरा ये लौकी से पनीर बनाने का आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।